क्योंकि आपकी रिया दीदी जो है ना वो सेलेक्ट हो चुकी है INTC के लिए। अब आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडियाज नेक्स्ट INTC के लिए मैं सेलेक्ट हुई हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस वेरी अवेसिंग अदर व्लॉग। गाइस आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको ना बहुत एक ऐसी दर्दनाक कहानी बताना चाहती हूँ जो हर एक लड़की के दिल से गुजरती है। और जितनी भी लड़कियाँ ये व्लॉग देख रहे हैं ना, हर एक लड़की इस व्लॉग को फील कर पाएगी। आपको एग्जैक्टली ये तो तय है ना, जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी कोई माँ का साकिया नाकी ना इधर से निकलेगा, तो इसलिए अंदर चलते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो बेसिकली आज सारी लड़कियां जो है ना मेरे एकदम दर्द इतनी तेज चिल्ला रहे हैं कि ना सब्जी वाले की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, व्लॉग नहीं कर रहा, मम्मी पीछे से हंस रही हैं। हाँ तो हर एक लड़की ना अपने दिल का जो चीज़ है ना वो बयां कर सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगी और एक लाइन में उसका आपको सार समझ आएगा। मैं आपको बताती हूँ गाइज, हर एक लड़की रिलेट कर पाएगी कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। Women. देख रहे हो मेरे पास ये पहनने के लिए कपड़े नहीं है गाइस। ये जितने भी कपड़े देखो, दो तरीके की सीजन होते हैं। देखो बारिश में तो हम कुछ भी पहन लेते हैं बीइंग अ गर्ल, ठीक है, गर्मी के कपड़े और सर्दी के कपड़े। अब फेब्रवरी आ चुकी है, ठीक है, तो अब फेब्रवरी से जो मौसम चेंज होगा वो होगा ऑलमोस्ट मार्च वाला, मतलब गर्मी वाला। तो अब मेरे को निकालने हैं गर्मी के कपड़े, ठीक है, और ये जितने कपड़े रखे थे ना वो मिक्स कपड़े हैं। अब मेरे को, अब इतने सारे कपड़ों में ना मेरे को समझ नहीं आता कि भाई मैं कौन से कपड़े पहनूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब मैं निकालने वाली हूँ सिर्फ गर्मी के कपड़े, एकदम हवा हवाई, जैसे एकदम जिसमें मेरे को एकदम हल्का फील हो, क्योंकि अब मैं जिम वगैरह भी जाने लगी हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा फील ऐसा चाहिए कि मतलब थोड़ा सा लाइट वेट कपड़े हों और थोड़ा सा ना गर्मी वाले कपड़े आ रहा समझ जाओ। हाँ, और इसी के साथ साथ ना एक और चीज़ बताऊंगी मैं आप लोगों को कि गाइज आज मैं आप लोग को ना मेरे जो बेस्ट आउटफिट है ना वो भी बताऊंगी कि मेरे पास कितने बेस्ट आउटफिट, ज़्यादा नहीं है, मतलब होंगे 6-7 जोड़ी, 8-15-25। हाँ तो मैं आप लोगों को ना वो कपड़े पहन के भी दिखाऊंगी कि, क्योंकि आपकी रिया दीदी जो है ना वो सेलेक्ट हो चुकी है INTC के लिए। अब INTC क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चलते चलो मैं लास्ट में बताती हूँ कि INTC है क्या। INTC का जो फुल फॉर्म है वो भी अगर आप गूगल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस लेवल का प्लेटफॉर्म है। तो आपकी जो रिया दीदी ना वो उसके लिए सेलेक्ट हो चुकी है, मतलब अब आप देख के जाओ कि मैं फाड़ लगा ली हूँ। चलो थोड़ा कपड़े अपने जमा लेते हैं यार। देखो गाइस मेरे पास ये कपड़े, ये मेरे मम्मी के बचपन के कपड़े। ये मम्मी आपके बचपन का है? बचपन का तो नहीं है, मम्मी कह रही है तू पेट में थी जब का। हाँ तो मम्मी वो ऐसे कवर करती थी ना, आजकल की तो फीमेल जैसे अगर हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री वगैरह में देखते तो वो बेबी बम दिखाती हैं, लेकिन जो पहले की महिलाएं होती थी जो बॉलीवुड के बाहर की, तो उनको ना ऐसे जब पेट में बच्चा होता ना तो उनको शर्म आती है वो पेट दिखाने में, तो वो छुपा छुपा के रखती है। क्या ओ मम्मी कह रही पापा ने पहली बार दिलाया था ये सूट, और पहली और आखिरी बार। क्यों पापा यार, पापा आपको आपको ये ब्लॉग दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी। ये मानशु आ रहा है, ये बेचारा मेरे कपड़े उठा उठा के रखता है। बैठा, ये आखिरी बार है, आखिरी दिन है जो मानशु कपड़े उठा के रख रहा है, क्योंकि अब मैं एकदम डिफरेंशिएट कर दूंगी तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी हटाने की, क्योंकि इतनी सी जगह है इसमें ये सारे कपड़े रखने। अब इतने सारे कपड़े इसमें नहीं आते ना, तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कपड़े तो कपड़े गाइस, और ये देखो ये बुक्स वगैरह, ये सेमेस्टर अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, ये सारी बुक्स तक इसके अंदर रखी थी। सोचो इसमें कितना सारा बोझ रखा हुआ है, ये कितने मतलब कितना सहता है यार बेचारा। इसकी चेन खराब हो गई है यार। भाई जब मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर इस जन्म में हो पाए तो तुम लोग जब ये व्लॉग देखोगे ना पीछे पलट के, जब पीछे आकर के पता नहीं अब कितने सालों में होंगे ये, तो तब ना मेरे ना ऐसे फैन एडिट्स बनाना है इसके लिए, ठीक है, मतलब जो फैन एडिट्स नहीं होते तब बनाना, ठीक है, जब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे।
जी मेरे बेस्ट फ्रेंड की टी शर्ट है, यहीं पे पड़ी हुई है। आपसे ये मेरे पापा की टी शर्ट है, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है। गाइस तुम लोग को एक चीज बताती हूँ, मैं जिम जा रही हूँ तो मेरी बॉडी देखो बने। मेरे भाई से भी अच्छे ढोले बने। सब कर लेंगे मम्मी लो। मम्मी कह रही है कि जी तेरी बॉडी वॉडी बन जाएगी तो शादी कौन करेगा। भाई जो जैसा होता है ना उसको फिर वैसे ही मिलता है, समझ रहे हो। अभी तो हिमांशु के बिल्कुल बाइसेप्स नहीं है, दिखाती हूँ। आपने बाइसेप्स दिखा, मेरे भाई के बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरे सामने दिखाते हो मजाक सट के। अब कहाँ ऐसे कट्स वट्स कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा देखो, मेरे कट्स देखो, मेरे कटे ही है बस। देख ये देख कट्स, देखो यहाँ पे तो कट सब ले आते, यहाँ के कट्स नहीं आते। चल दोनों करते हैं। गाइस कमेंट से बताना किसके बेस्ट है। कह रहे वे ये रेस में ही नहीं है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चल जा। फाइनली आज का ये सी चीज़ें जो है ना, मैंने पूरे कपड़े वपड़े जमा दिए हैं और इसी के साथ साथ पूरा फैला रहा, तो अभी हट नहीं पाया। देखो दिखाती हूँ, अभी भी ये सारे कपड़े बचे हैं। ये वो कपड़े हैं जो कि जैसे कि मेरे वाले कबर्ड में मम्मी ने रख दिए थे, या भाई के कपड़े मेरे कबर्ड में आ गए थे। ये देखो मैंने बुक्स अभी तक रखी नहीं है। इस पर मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, ये सेमेस्टर की बुक्स हैं, ठीक है। तो MBA सेमेस्टर की बुक्स हैं, ये थर्ड सेमेस्टर की, तो इस पर मैं बहुत तगड़ी चीज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट पेज में नहीं करूँगी, ये तो ना जो बुक वापस देनी है ना तो वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि अब ये वाली जो बुक्स है ना ये सारी वापस जाएंगी, इनका कुछ काम वाम नहीं है। तो देखो अब एक बहुत तगड़ी तरकीब लगाने वाली हूँ। ये जो बुक्स रहती हैं वो सालों साल चलती जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारी रिया दीदी क्या काम करती है। और ये मैं पूरे पांचों बुक पर लिख दूंगी। हाँ तो इन फ्यूचर किसी को क्यूरियोसिटी हो कि भाई क्या कैसा क्या है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो करे कि भाई तुमने रिया ने, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मेरे को बॉडी मजा आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ मैंने 2-4-5 जोड़ी कपड़े रख लिए, निकाल लिए और मैं पहनती हूँ फटाफट, दिखाती हूँ और बताना उसमें से सबसे बेस्ट आउटफिट क्या है और INTC क्या है, इसके बाद मैं तुम लोग को बताती हूँ। चलो मिलते हैं।
क्या पता गाइस कि इनकी बहन किस चीज के लिए सेलेक्ट हुई है, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बोला था। सो गाइस आपने बिल्कुल सही सुना है, हाँ अभी सही दिख रही हूँ मैं, हाँ तो आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडियाज नेक्स्ट INTC के लिए मैं सेलेक्ट हुई हूँ, इंडियाज नेक्स्ट छपरी। क्या बोला तूने? क्यों तुम लोग को क्या लग रहा है इंडियाज नेक्स्ट टॉपर के लिए और उसमें मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी? भाई मेरा खानदान भी बिक जाएगा ना, तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां जा करके शॉपिंग वॉपिंग कर लूं। वाह मेरे भाई खाना खा रहा है नीचे बैठ के और खाना नीचे ही पटका हुआ है। तो भाई कुछ नहीं है, ऐसा बकवास चीजें, इंडियाज नेक्स्ट छपरी मॉडल के लिए मैं भोपाल लेवल से सेलेक्ट हुई हूँ और 2-4-5 छपरी और आएंगे इंदौर से, फिर हम लोग अपना शो बना लेंगे MP के बाहर जा करके। बारे बकवास कर रही हूँ, बाकी गाइज व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और मेरी जो वॉकिंग स्किल थी उसको देख के मुझे बिल्कुल विश्वास है आप लोगों पे कि मतलब आप लोग ने ना एकदम इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल का सिनेरियो सोच ही लिया होगा, कि आपने ये सोच लिया होगा कि यार रिया दीदी तो यार फाड़ है, वैसे मैं हूँ फाड़। चलो गाइज मिलते हैं ऐसी बकचोद वीडियो में वापस से, तब तक लिए ध्यान रखो, मेरी बकवास आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक ले गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।